अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सीरीज़ बोर्ड के बारे में। सीरीज़ बोर्ड को आप कैसे बना सकते हैं और सीरीज़ बोर्ड को आप कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सीरीज़ बोर्ड हमारा मल्टीमीटर की जगह काम करता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं हो तो आप सीरीज़ बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा जी दोस्तों, आपके पास एक इस तरह के होल्डर होना चाहिए, इस तरह के होल्डर, और एक साकट होना चाहिए। दोस्तों, अभी हम इसी से इसको सीरीज़ बनाएंगे। दोस्तों, ये जो शीट है ये हमारे पास तीन होल वाली है, लेकिन दो होल वाले भी चल जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी तीन होल वाला पड़ा हुआ है। हम इसी में इसको लगा के आपको चेक कराएंगे। तो दोस्तों, आपने इसको खोल लेना है और हमने इसको इसके अंदर लगा देना है। साकट को भी हमने लगा के टाइट कर देना है और हमने उसको भी होल्डर को भी लगा के टाइट कर देना है। अच्छा जी दोस्तों, इसको हमने टाइट कर दिया और इसको हमने लगा दिया। और दोस्तों, ये सेंटर वाला जो है इसको हमने बंद कर देना है, या अगर आपके पास टू गेंग वाला है तो वो भी आपने लगा देना है इसके अंदर। और दोस्तों, ये हमारे पास वायर है, इसको हमने काट देना है इसी में से जितना हमें ज़रूरत है। जितना हमें ज़रूरत है वो हमने इसमें से काट देना है। और इसको हमने टेस्टर के साथ होल्डर के अंदर लगा देना है यहाँ पे। दोस्तों, ये वायर को हमने होल्डर के अंदर लगवा देना है। इसको हमने होल्डर के अंदर लगवा के टाइट कर देना है। अच्छा जी दोस्तों, हमने उसको होल्डर के अंदर लगा दिया। अभी हमने ये दूसरी जो साइड है इसको हमने साकट के अंदर लगा देना है। इसको हमने साकट के अंदर लगा के टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये कनेक्ट हो गया। दोस्तों, इस पहले से हमारे साकट को करंट मिलेगा और इसके बाद हमारा उसमें जाएगा होल्डर में। इसको दोस्तों हम बटन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने बटन लगवाना हो उसी तरह हम बटन की जगह साकट को यूज़ कर लेते हैं। और दोस्तों, ये हमने इसको यहाँ पे लगवा लेना है होल्डर के अंदर, एक वायर लगवा लेना है। ये हमारा कॉमन वायर होगा, न्यूट्रल वायर। अच्छा जी दोस्तों, अभी हम इसमें मेन वायर को लगा लेते हैं। ये हमारा एक वायर आ गया होल्डर में, इसको हमने होल्डर के अंदर लगवा देना है। और एक वायर जो है ना दोस्तों, हमने साकेट को दे देना है यहाँ पे। हमने इसको साकेट के अंदर लगा देना है। इसको हमने यहाँ लगा के टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये दो वायर हमारे लग गए,
ये वाला जो वायर है दोस्तों ये हमारा मेन वायर है, और ये वाला जो है हमारा ये मेन न्यूट्रल है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल आ गया और दूसरा हमारा फेज़ आ गया। दोस्तों इसको हम बटन की जगह यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसा कि हमने बटन को कनेक्शन देने, बटन से हमने बल्ब को ऑन करना है, उसकी बजाय हमने हम उसको सॉकेट लगा लेते हैं। अभी हमने दोस्तों इसको मेन बिजली के अंदर लगवा देना है, इसको हमने दोस्तों शू लगा देना है मेन बिजली में, और ये बल्ब हम इसको यहाँ से उतार लेते हैं बोर्ड से। हमने इसको बोर्ड के अंदर लगवा देना है, सीरीज़ बोर्ड जो हमने बनाया उसके अंदर हमने इसको टाइट कर देना है। और दोस्तों ये हमारा वायर है हमने टेस्ट लैंप के लिए बनाया हुआ है, हमने इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और हमारा लाइट चल पड़ा, ये देख रहे हैं आप दोस्तों। दोस्तों आपको कम से कम 100 वाट से कम बल्ब को सीरीज़ लैंप में ना लगाया करें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। कोई भी दोस्तों का जहन में सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।